हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुंबई से पंजाब के धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने आया था परिवार हादसे का शिकार हो गया। बठिंडा अमृतसर रोड पर गांव कोटक रोड़कलां के करीब शनिवार दिन और करीब 11 बजे कार और वैन की तुमस और टक्कर के कारण हुई इस सड़क दुर्घटना और दंपति समेत 5 की मौत हो गई। मृतकों और एक 8 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। जिस समय की हादसे और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज और दाखिल करवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फरीदकोट की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार नंबर DACP 7050 और तलवंडी भाई की तरफ से आ रही वैन नंबर MHA 4106 की गांव कोटक रोड़कलां के नजदीक टक्कर हो गई। यह देख ग्रामीण तत्काल ही घटनास्थल की तरफ दौड़े और कार और फंसे घायलों को बाहर निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। हादसे और स्विफ्ट कार और सवार मुंबई से आए रुपिंदर पाल सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी भस्त मुंबई और उनकी पत्नी गुरमीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिस समय की उन सबके बेटे हरमीत सिंह सोढ़ी, पुत्री जैस्मीन कौर और चालक तरसेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी ओर दुर्घटनाग्रस्त वैन और सवार सतिंदर सिंह पुत्र चानन सिंह निवासी सोहल पट्टी झबाल तरन तारण, उसकी पत्नी सर्वजीत और पुत्र गुरनूर सिंह व वैन चालक को भी गंभीर चोटें आई। फरीदकोट मेडिकल अस्पताल और उपचार के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार चालक तरसेम सिंह, 8 वर्षीय गुरनूर सिंह पुत्र सतिंदर सिंह व वैन चालक की भी मौत हो गई। ASI पाल सिंह ने बताया कि रुपिंदर पाल सिंह मुंबई से हमें परिवार के साथ पंजाब के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए आया था। रुपिंदर का परिवार अमृतसर के हरमंदिर साहिब और माथा टेकने के बाद फरीदकोट और किसी धार्मिक स्थल की ओर जा रहा था। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।